अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। सर्दियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है और सर्दियां जैसे स्टार्ट होती हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, रफ सी स्किन हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है गर्मियों में इवन उनको भी ड्राइनेस का समटाइम्स जो है वो सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग मी। मेरी स्किन आपको पता है कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन है, लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो मेरी स्किन भी ड्राई अजीब सी ड्राई हो जाती है। और टाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे स्किन के ऊपर ड्राइनेस के पैचेस भी बन जाते हैं। तो जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है तो हम लोगों का जो है वो रुझान ज़्यादातर की साइड भी हो जाता है, मॉइस्चराइजर की तरफ, सीरम्स की तरफ और इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर कि जो कि स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करें। हम लोग शीट मास्क लगाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग फेस पे लगाते हैं, ठीक है। तो आज जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ जिसका रिव्यू करने वाली हूँ, मेरा ख्याल है कि सर्दियों में मेरी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट रहने वाली है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज एंड ड्यू टू के जैसे ये काम करती है, ठीक है। तो चलिए जी आपको प्रोडक्ट बता देती हूँ कि आज मैं किस चीज़ के ऊपर रिव्यू करने वाली हूँ। मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस फेस सीरम के ऊपर, ठीक है। ये है कामी का फेस सीरम, हाँ जी, कामी का इस फेस सीरम जिसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम फॉर स्किन इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है वो किसके लिए यूज होता है वो भी आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। ये जनाब ग्लास की बॉटल है और बहुत क्यूट सी छोटी सी बॉटल है और मैट फिनिश में ये बॉटल है। इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉपर फॉर्म में ये इस तरह से होता है और इसके अंदर से लिक्विड आप देख लें कि ये टिंटेड है येलो सा और ये इस तरह से इसके अंदर सीरम है, ठीक है। खुशबू की मैं बात आपको बता दूं तो फुल जैसे वो ऑयल्स की खुशबू होती है वैसी ही है, इतनी खुशगवार किस्म की खुशबू नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपने इसको यूज़ करना होता है तो मेरा ख्याल है ठीक रहेगा। अच्छा जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉन एलर्जेनिक, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। 30 ml की बॉटल है और ये तकरीबन 1200-1300 की आती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं इसकी प्राइस जो है वो मैंशन कर दूँगी। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी हो रही होगी कि एग्जैक्ट इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। आप इसको ऑर्डर अगर करना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट का। इसके अलावा इनका इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप का नंबर मैं मेंशन कर दूंगी। आप अगर चाहें तो आप वहां पर व्हाट्सएप पर भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनकी जो है कामी की 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं और पिछले कोई तकरीबन 1 साल अभी नहीं हुआ, कोई मेरा ख्याल है 8-9 महीने हो गए हैं इनकी प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। वो मेरा ख्याल है किसी भी लिहाज से किसी दूसरे ब्रांड से कम नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है इसकी, तो इसके अंदर है जनाब बहुत सारे ऑयल्स का एक इन्होंने कॉम्बिनेशन आपको दे दिया है, फ्लैक्सीड ऑयल, नीम ऑयल, इसके अलावा वाइटामिन ई ऑयल, फेनुग्रीक ऑयल और पता नहीं कौन कौन से ऑयल इसमें इन्होंने डाले हुए हैं। और आप लोग अगर थोड़ा सा अगर आपकी स्किन को हो सकता है किसी ऑयल से एलर्जी हो तो ऑयल आपको पता है कि वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप बेशक इसको ऑर्डर ना करें। अच्छा जी, बेनिफिट्स जो है इसके मैं आपको वो बता देती हूँ कि रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन, एलिमिनेट्स फेस, एंटी एजिंग, रिमूव्स डलनेस, renew skin cells, provide glow and reduces fine lines and scars। यूज़ कैसे करती हूँ मैं, अभी इसको सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, आपको मैं इसकी बताऊँ एक चीज़ कि आपकी स्किन को मेरी जो स्किन है अभी ऑब्वियसली सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होने वाली हैं, हो ही रही हैं, कुछ मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन थोड़ी थोड़ी सी ना ड्राई होना शुरू हो गई गर्मियों की निस्बत। तो मैं इसको कितना यूज़ करती हूँ, मैं जस्ट इसके लूँगी छोटे छोटे से 2 ड्रॉप्स, मतलब जो इसके ड्रॉप निकलते हैं देखिएगा, 1 and 2 बस, ठीक है। 2 ड्रॉप्स मैंने लेने हैं, 2 ड्रॉप्स लेके मैंने इसको थोड़ा सा फिंगर्स के ऊपर ऐसे रब करना है ताकि थोड़ा सा गर्म भी हो जाए और अच्छे से हो जाए। इसको मैंने ऐसे करके ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फेस के ऊपर स्प्रेड कर लिया और ये जो 2 ड्रॉप्स मैं लगा रही हूँ ये मेरे स्किन के लिए, मेरे फेस के लिए बिल्कुल काफ़ी है। मेरा ख्याल है मुझे इसके बाद मैं भी समटाइम्स क्या होता है ये लगाने के बाद कोई मॉइस्चराइजर वगैरह भी नहीं लगाती हूँ, आपकी स्किन को ये इतने अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और इतने अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। बाकी स्मेल की जहाँ तक बात है थोड़ी देर के बाद वो वैसे स्किन के साथ नॉर्मल हो जाती है। एक चीज़ जो मैं इसकी आपको बता दूं कि अगर आपको वो वाला ग्लो चाहिए ना जो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ लगाएं हमारे फेस के ऊपर ग्लो हो और वो चिपचिप फीलिंग भी ना हो, तो मेरा ख्याल है आपको ये वाला सीरम लाजमी ट्राई करना चाहिए। जैसे कि ये क्लेम भी करता है स्किन इल्यूमिनेटिंग, ठीक है। आपकी फेस के ऊपर बहुत जबरदस्त एक ग्लो देगा और नेचुरल ग्लो देगा। जैसे हेल्दी स्किन ग्लो करती है ना, बिल्कुल वैसे ग्लो करेगी। सेकंड जो चीज इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि एंटी एजिंग के लिए, फाइन लाइंस के लिए, स्कार्स के लिए, तो मेरा ख्याल है सीरम जो होते हैं जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं वो फाइन लाइंस के लिए वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, एंटी एजिंग वो होते हैं, रिंकल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए वो बेस्ट होते हैं। तो उसमें ये नो डाउट ये अच्छा होगा, क्योंकि अभी इसको मैंने इतना अर्सा यूज नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आई होप कि ये फाइन लाइंस के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि जिस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज है। हाइपर पिगमेंटेशन की बात करूं तो हाइपर पिगमेंटेशन की मेरा ख्याल है मुझे 100 में से अगर मैं इसको मार्क्स दूं, अभी तक जो मुझे फील हुआ है वो कोई खास फर्क अभी फील नहीं हुआ। सिर्फ आप ये हिसाब लगा लो कि 10 to 15% मेरा कुछ मुझे ना कहीं से फील होता है, क्योंकि मैंने अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोग मेरी देख रहे हैं आपको आइडिया होगा कि मैंने शेयर किया था कि मेरी यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई है। अभी भी मैं आपको बताऊँ ना, फोकस करें तो मेरे यहाँ पे जो है वो पिगमेंटेशन के स्कार्स अभी भी हैं और मैं बिल्कुल बेयर फेस आप लोगों के सामने बैठी हूँ। जस्ट मैं लिपस्टिक लगाई अभी आप लोगों के सामने, मैंने ये सीरम लगाया और कुछ भी मैंने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे पैचेस जो है ना बने हुए थे, इसको मैं जब से लगा रही हूँ मुझे लग रहा है कि पैचेस कहीं कहीं से लाइट हो गए हैं, लेकिन वो इस तरह का विजिबल रिजल्ट्स अभी नहीं फील हुआ मुझे, क्योंकि अभी इसको यूज़ करते मुझे कोई इतना खास टाइम भी नहीं हुआ और मैं सिर्फ रात के टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, डे टाइम में इसको मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से कि कुछ किसी हद तक ये इम्प्रूव करेगा, लेकिन हाली सीरम जो होता है वो आपकी पिगमेंटेशन के लिए कभी भी काम नहीं करता। आपको अपनी पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें यूज़ करना पड़ती हैं। ये एक आप ये समझ लें पूरा एक मील है जो आपने अपनी स्किन को देना है, ठीक है, नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सिर्फ इस प्रोडक्ट से आपकी पिगमेंटेशन जो हैं वो रिमूव नहीं होने वाली। तो बाकी स्किन की ग्लो के लिए अच्छा है, फाइन लाइंस के लिए अच्छा है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, डार्क पैचेस जो बन जाते हैं ना सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से वो नहीं बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बाकी स्किन के ऊपर जो इस तरह से वो खुश्की के बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे, उस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसके अलावा अच्छा सा ग्लो आता है। और अगर आप समटाइम्स हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटर लगा लगा के अपने फेस के ऊपर वो कर रहे होते हैं ना, लेकिन अगर आप एक दफ़ा अपनी फाउंडेशन के साथ ये यूज़ करें तो मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त और एक नेचुरल देगा आपको, ठीक है। तो इसको मेरी रिकमेंडेशन पे लाजमी ट्राई करें, इसको लाजमी यूज करें और अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर मेरी स्किन पे ये काम करे तो आपकी स्किन पे भी काम करे। मेरी स्किन को इसने कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं दिया। काफी अच्छे से इसको यूज करिए, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस फेस सीरम। तो आई थिंक आप लोगों को भी परचेज करना चाहिए। वैसे भी ये नॉन एलर्जेनिक है और जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं देती। हाँ, उसमें कुछ इस तरह के होते हैं नेचुरल चीजें, जैसे ऑयल में कह रही हूँ आपकी स्किन के लिए हो सकता है कोई अच्छा ना हो, तो आप उस हिसाब से एक दफा उसकी लिस्ट देख लें, आपकी स्किन के हिसाब से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ये तो यही कह रहे हैं कि फॉर ऑल स्किन टाइप, फिर भी आप एक दफा उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक दफा आप चेक कर लीजिए। हाँ जी जनाब, तो ये थी मेरी वीडियो इस छोटे से टूटू से सीरम के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा ताकि मैं मजीद वीडियोज बनाऊँ आप लोगों के लिए। और मजीद अगर कोई क्वेरी होती है, कोई अगर आपसे कुछ डिस्कस करना है आपने, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप, जब चाहे जहां चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।